पीछे कैसे रह गए। ये फिल्म इतनी सुपरहिट है, इस फिल्म को बार बार देखने लायक है, पूरी फैमिली के लायक है, बीवी बच्चों के सबके साथ। वर्षों बाद ऐसी फिल्म आई जो कोई भी व्यक्ति इसको देख सकता है, हंसाने में भी कमी नहीं रही, और जो डायरेक्शन का जो ज़बरदस्त डायरेक्शन था, फिल्माया भी बराबर गया, और ये फिल्म आदमी को उठने नहीं देती, एक बार बैठ गया। नहीं, एक लव स्टोरी इतनी अच्छी बनाई है, नहीं लव स्टोरी टाइप नहीं है, इतनी अच्छी फिल्म है। एक गृहस्थ व्यक्ति कैसे जी सकता है, पति पत्नियों के लड़ाई झगड़े ख़त्म करना हो तो इस फिल्म को कंपलसरी देखना चाहिए, इसमें विरोध नहीं हो सकता। इसमें जो भी फिल्म जो देखेगा उसके घर की झंझटें प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी, ये पक्का है। इसलिए मैं निवेदन करूँगा, डायरेक्टर हो प्रोड्यूसर, इसको बहुत प्रमोशन किया जाए, जिससे पूरे फैमिली के परिवार के रिश्ते, जो कोर्ट में आजकल तलाक के केस चल रहे हैं, सब इसमें दिखाया गया, कैसे वो तलाक को रोका जा सकता है इस फिल्म में दिखाया गया। हाँ, और म्यूजिक बहुत अच्छा था, गाना भी इसमें बहुत अच्छा है, और इस फिल्म को बार बार देखने लायक है। इसलिए आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि बराबर इसको प्रमोट किया जाए, और जिससे कि समाज सुधार के लिए, परिवार को संगठन बनाने के लिए कैसे एक फैमिली रह सकती है, इससे अच्छी फिल्म हो नहीं सकती। 5 में से 5 स्टार देते, ये प्रमोशन कंपलसरी है, लोगों को पता नहीं लग रहा कि फिल्म क्या है, लेकिन ये बहुत अच्छी फिल्म है। बार बार जितनी बार देखोगे उतनी बार कम है, और इसमें जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ही आनंद आएगा, हंसाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी इस फिल्म में। इसलिए इस फिल्म को हम 5 में से 5 स्टार देते हैं, बार बार देखने लायक है, पूरी फैमिली को देखने लायक है, और बार बार दूसरे सबको ये सूचना दी जाए, अगर फैमिली और परिवार को बचाना है तो इस फिल्म को अवश्य देखें और बार बार देखें। और ओके, थैंक यू। अच्छा था। अच्छा, नया पन तो नहीं था, पर अच्छा था, ए वन टाइम वॉच था मूवी। आयुष्मान कैसे रहे? अच्छा था। और भूमि पेडनेकर जिनकी डेब्यू मूवी है, मस्त था। 5 में से कितने स्टार देना चाहोगे? 3। थैंक यू। बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी। कौन से सॉन्ग्स आपको पसंद है? सारे अच्छे थे, मतलब काफ़ी अच्छी। 5 में से कितने स्टार? 4। बहुत अच्छी। आयुष्मान सर नहीं, तो जो हीरोइन से भूमि पेडनेकर, उनकी एक्टिंग कैसे थी? दोनों की अच्छी थी। कौन सा सॉन्ग आपको पसंद है? एक्सक्यूज मी, 5 में से कितने स्टार? 4 स्टार। एक्सक्यूज मैम, हो गया, बहुत अच्छी थी। क्या खासियत थी स्टोरी राइटिंग? स्टोरी बहुत यूनिक थी, मतलब बहुत अच्छी स्टोरी थी, राइटिंग इज अमेजिंग, डायरेक्शन इज गुड, म्यूजिक वाज द बेस्ट पार्ट। आयुष्मान और भूमि कैसे रहते हैं? भूमि इज वेरी, शी इज वेरी गुड, शी इज वेरी नेचुरल एंड शी इज ग्रेट। या म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक इज वंडरफुल, अमेजिंग म्यूजिक, या आई लव द म्यूजिक। 5 में से 4.5। या मूवी बहुत अच्छी थी, अच्छा लगा, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे थे, बहुत कुछ सीखने को मिला, बिकॉज आई एम माई सेल्फ इज़ ए एक्टर, तो उन आयुष्मान खुराना की मुझे लगता है 4th फिल्म है ये, और सो फार अभी तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है उनकी इस फिल्म में। वो भी बहुत अच्छा उन्होंने किया, और जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर प्रॉपर लग रहा था, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं किसी हीरोइन को या किसी एक्ट्रेस को देख रहा हूँ, कैरेक्टर को मैं देख रहा था। बहुत फ्रेश स्टोरी लाइन है, जो यशराज की फिल्म होके जिस हिसाब से उन्होंने शूट किया है और जैसे पूरी फिल्म का प्रोजेक्शन है वो बहुत ही कमाल है, बहुत फ्रेश है। म्यूज़िक एक सॉन्ग था, स्लो नंबर है, सैड है, शायद सैड सॉन्ग है, वो बहुत ही अच्छा था, और लास्ट 80s का एक उन्होंने बॉलीवुड नंबर डाला है तो वो भी बहुत अच्छा लगा। 5 out of 5, गुड फिल्म, थैंक यू। मूवी सुपर्ब है, बहुत अच्छी मूवी है, हाँ अलग है, प्लस आज के टाइम में क्योंकि जहाँ पे बिल्कुल मॉडर्न और वो सब कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है, ये बिल्कुल रियल दिखाया गया है, जैसा कि हम बोल सकते हैं 95 का कॉन्सेप्ट है कि यूपी में हरिद्वार में क्या उस वक्त अरेंज मैरिज के वक्त क्या हुआ होगा, तो वो कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट बना रहता है शुरू से एंड तक, और सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं, दोनों एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, भूमि लग ही नहीं रहा था कि न्यू एक्ट्रेस है। किसकी एक्टिंग पसंद है आपको? मुझे दोनों की, आयुष्मान आई लाइक है और भूमि बहुत अच्छी लगी, सॉन्ग्स भी बहुत प्यारे हैं, मुझे लास्ट वाला सॉन्ग जो दोनों का डुएट सॉन्ग है वो बहुत, मुझे बहुत पसंद है, मैंने पहली बार जब सुना था प्रोमो में मुझे तभी पसंद आया था। हाँ, मैं तो 5 to 5। It was good. It was amazing, interesting it was. Hi. बदलापुर देखी या? बदलापुर भी देखा है और ये दम लगा के हर्षा भी देखा। दम लगा के हर्षा
मूवी बहुत अच्छी थी, मूवी बहुत अच्छी थी। अच्छा यहाँ पे देख के बोलना, आयुष्मान भूमि दोनों बहुत अच्छा किए। भूमि हालांकि बिल्कुल नहीं है बट कोई बोलेगा नहीं क्योंकि उन लोगों के बीच में जो केमिस्ट्री था दैट वाज अमेजिंग। दम लगा के हईशा बॉस। सॉन्ग सब बहुत प्यारे हैं, 90s के ऊपर है तो 90s के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। एंड कुमार शानू वाकई में अंशुमन को रुला देते हैं। फाइव में ऑफकोर्स फाइव या